हाय फ्रेंड्स माय नेम इज राम एंड यू आर वाचिंग राम टेक्निकल टेक यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एआई टूल का दैट इज चैट जीटीपी ये जो टूल है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है ट्रेंड में है आजकल एंड मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ये टूल आपके लिए क्या कर सकता है बेसिकली ये जो टूल है आपके लिए बहुत सारी चीजें कर सकता है सपोज दैट इफ यू वॉन्ट टू डिजाइन अ आर्टिकल एंड ई या एनी काइंड ऑफ हायरिंग ई मेल एंड किसी भी तरह की चीजें अगर आपसे डिजाइन करना चाहते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो आप हो, चाहते हो कि होमवर्क करें अगर आप एक कोडर हो आप बोलते हो कि मेरे को कोड लिख के दे बहुत सारी चीजें करता है मैं आपको बताऊँगा तो आप अमेज हो जाओगे आपको लगेगा कि वाह क्या मतलब बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये सो बेसिकली वट इट इज एआई जो चैट जीडीपी है इसको डिजाइन किया है ओपन ए आई वालों ने माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग हुई है एंड इसको लॉन्च मेरे ख्याल में किया हुआ है तीस नवंबर के आसपास और जैसे इसको लॉन्च किया पांच दिन के अंदर अंदर आप देखोगे इसके टेन लैक के आसपास यूजर हो गए थे ठीक है एंड अभी भी बहुत सारे यूजर्स इस पे जा रहे हैं एंड इट इज राइट नाउ फ्री इन फ्यूचर इट मे बी पॉसिबल कि आपको पे करना पड़े इसकी एपीआई वगैरह यूज करने के लिए बट बेसिकली राइट नाउ इट इज फ्री तो आप अच्छे से इसको यूज करिए इसको अच्छे से क्रिएटिव चीजें इससे डिजाइन करवा के उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके कुछ चीजें एडजस्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो सो so मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ आपको समझाने वाला हूँ क्लियर आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में इसके बाद मुझे लगता नहीं कि ओपन जो चैट जे टीवी है इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा एंड एक बेसिक सी नॉलेज आपको हो जाएगी ओके okay? सो so, हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं वहां पर देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है कैसे आप इसमें लॉग इन करोगे एंड सारी चीजें मैंने कवर किए हुई है तो आपको सब समझ में आ जाएगा बस आपको लास्ट तक देखना है ये वीडियो सो so, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे सो so, स्टार्ट uh, करते हैं साइन अप करेंगे सबसे पहले हम और उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा चैट जी टी पी लॉगिन और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है आप डायरेक्ट वहाँ भी जाके uh, इनके लॉग इन पेज पे जा सकते हैं सो so, फटाफट से आप देख लीजिए ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिन वाला ऊपर ये आपको पढ़ के यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद हमें क्या करना कर, uh, पड़ेगा फटाफट से फ़र्स्ट uh, टाइम हमें साइनअप करना पड़ेगा क्लिक करेंगे साइनअप पर और साइन अप पर क्लिक करने के बाद अगर तो आप ईमेल से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अदरवाइज़ अगर आपका ईमेल ब्राउज़र में ही लॉगिन है तो कंटिन्यू विद गूगल कर दीजिए मेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको कुछ डेटा देना पड़ेगा जैसे कि आपका नाम आपका नंबर से आपको एक बारी वेरीफ़ाई करना पड़ेगा सो so फटाफट से मैं अपना फ़र्स्ट नेम सेकेंड नेम डाल देता हूँ एंड कॉन्टिन्यू पे क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद नंबर यहाँ पर मैं डालता हूँ एंड ओ से इसको मुझे वेरीफ़ाई करना पड़ेगा देन आई हैव टू क्लिक ऑन सेंड ठीक है ओ टी पी आ जाएगा एंड uh, आ जाओ ओके सो ओ टी पी आ चुका है लेट मी पुट इट सो ये ओ टी पी है मैंने टाइप कर दिया एंड ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा सो दैट इज़ इट मीन्स आपको इतना ही करना है इस टूल में साइन अप होने के लिए ठीक है यहाँ से आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो कि uh, इसके बारे में ये आपको बता रहा है कि कैसे ये रिसर्च करता है और जो आपके प्रीवियस रिसर्च हैं यहाँ पे आप देखोगे प्लीज़ डोंट शेयर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ठीक है भाई साहब आप जो भी सर्च करोगे ये रिकॉर्ड करके रखता है एंड उसी के हिसाब से आपको ये चीज़ें जनरेट करके देता है आंसर्स जनरेट करके देता है तो आप कुछ भी सेंसिटिव इसमें सर्च ना करें और बहुत ज़्यादा मज़े ना लें ये एक ए टूल है इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम में लें ओके एंड यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि क्या कैसे आपको सर्च करना है कैपेबिलिटीज़ इसकी क्या क्या है मतलब क्या क्या ये आपको कर सकता है एंड उसके बाद आप देखोगे कि लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस क्या क्या हैं क्या क्या ये नहीं कर सकता ठीक है जी सो so, बेसिकली uh, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले से लिख के रख लिए थे एंड दैट क्वेश्चन वॉज राइट अ प्रोडक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर विंग्स फैंटम टू फाइव जीरो ईयरबड्स ठीक है यानी कि विंग्स फैंटम टू फाइव जीरो एक ईयरबड्स थी एक वायरलेस ईयरफोन थी जिसका मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने को बोला तो इसने यहाँ पे लिख दिया ठीक है अगर आप नीचे देखोगे रीजनरेट करके एक नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मींस आपने किसी भी चीज़ का एक रिव्यू लिखवाया अगर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रीजनरेट कर सकते हो यहाँ से आप देखोगे मैं सेकंड क्वेश्चन पुट करता हूँ कि भैया राइट अ प्रॉपर ज्वाइनिंग ई मेल फॉर कॉन्टेंट राइटर पोजिशन ठीक है मतलब मैं अगर एक ऐसी पोजिशन पर हूँ जहाँ पर चीज़ें uh, लोगों को हायर कर रहा हूँ और हायरिंग से रिलेटेड अगर मुझे एक ई मेल ड्राफ्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर उसमें लिखूँगा इसको बताऊंगा और उसके बाद ये क्या करेगा uh, एक प्रॉपर ईमेल डिज़ाइन करके देगा मैंने ज्वाइंट इस कर दिया था एक्चुअली सो लेट मी फिक्स दैट तो अभी मैंने ज्वाइनिंग की स्पेलिंग प्रॉपर सही वे में लिख दी है एंड यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ वापस से एंड आप देखोगे कि एक प्रॉपर ज्वाइनिंग ई ही हमें डिज़ाइन करके दे रहा है एंड अब आप क्या कर सकते हो ये चीज़ें पर लेने के बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए अपने मेल में एंड कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं जैसे कि जो ज्वाइनर है उसका नाम क्या है उस डेट क्या है ये सारी चीज़ें चेंजेस करने के बाद आप उसको भेज सकते हो ठीक है तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए ठीक है सो ये सारी चीज़ें हैं थर्ड क्वेश्चन भी एक मैं कर लेता हूँ कि मुझे भाई सपोज दैट आई एम अ कोडर और मेरा एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे कुछ बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता हूँ जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया था कि भाई एक मुझे रेड बॉक्स ड्राफ्ट करके दो ऑन पेज एंड ऑल सो दैट्स हाउ इट इज़ राइटिंग फॉर द कोड एंड ऑल ठीक है मतलब कि आप कुछ भी इससे पूछोगे ये उसके हिसाब से चीज़ें आपको डिज़ाइन करके देगा सो दिस इज़ समथिंग आप यहाँ से देख सकते हो और ये जो चीज़ें हैं आप जो भी सर्च करोगे आप देखोगे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं आप चाहो तो साइड में आप देखोगे क्लियर का आ, क्लियर कॉन्वर्सेशन ये आ रहा है यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो या फिर आप हिस्ट्री रख सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ऐसे ये काम करता है और बहुत सारे लोग हैं जो आ, सोच रहे हैं कि ऐसे तो कॉन्टेंट राइटर या फिर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जॉब ख़तरे में आ जाएगी ये होगा वो होगा मुझे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग जो कि हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं इससे सीख के ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड टाइम